रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित समारोह पर एक स्मारिका राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयार कराई जा रही है और इस स्मारिका में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक लगभग 250 पेज के इस स्मारक पुस्तिका का निर्माण राम मंदिर ट्रस्ट तेज गति के साथ कर रहा है। आगामी युवा पीढ़ी प्राण प्रतिष्ठा समारोह और मंदिर इतिहास के बारे में बारीकी से जान सके, इसका प्रमुख उद्देश्य है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया, इस स्मारिका में राम जन्मभूमि का इतिहास, मंदिर का संघर्ष, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूरा विवरण, प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित प्रमुख लोगों के संदेश दिए जाएंगे। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो हर अच्छे काम की स्मारकाएं लोग बनाते हैं कि जो हमेशा के लिए सुरक्षित रहें और जानकारी रहे। राम मंदिर का पूरा इतिहास, इसके संघर्ष का इतिहास, किन लोगों ने संघर्ष किया, किन लोगों ने इसमें बलिदान दिया और किन लोगों ने श्रम किया, तो एक सबका इतिहास संकलन करके अगर एक पुस्तिका बना दी जाएगी तो लोगों को राम मंदिर का पूरा इतिहास और वर्तमान में राम मंदिर की स्थिति, प्राण प्रतिष्ठा की पूरी भव्य जो व्यवस्था हुई और उसके चित्र वगैरह रहेंगे तो लोगों को स्मरणीय रहेगा। और एटा पुलिस ने गंगा दशहरा को लेकर लोगों से खास अपील की है, ओवरलोडिंग ओवर स्पीडिंग से बचने का अनुरोध किया है। गंगा दशहरा स्नान के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है और शराब पीकर ड्राइव न करने की अपील की गई है। आप ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें, ओवरलोडिंग ओवर स्पीडिंग से बचें। तारीख को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु जनपद का स्नान आदि के लिए जाते हैं। विगत वर्षों में ट्रैक्टर ट्रालियों से खतरनाक तरीके से यात्रा करने से कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें जान माल की बहुत ही क्षति हुई है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि ट्रैक्टर ट्रालियों में यथासंभव यात्रा न करें, ओवरलोडिंग न करें, नशे की हालत में कतई ड्राइविंग न करें, ड्राइविंग करते समय सेल्फी आदि का लेने का प्रयास न करें, रील न बनाएं। और हाथरस में कोल्ड स्टोरेज पर काम करने वाले युवक का शव लहूलुहान हालत में मिला। मृतक युवक सलेमपुर में कोल्ड स्टोरेज में मशीन ऑपरेटर का काम करता था। सूचना मिलने पर परिजन भी कोल्ड स्टोरेज पर पहुंच गए और परिजन ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और छानबीन शुरू कर दी है। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। कुकुरैल इलाके में रिवर फ्रंट को लेकर आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पिछले 5 दिनों से अकबर नगर में बुलडोजर चल रहा है और अवैध रूप से बनाए गए निर्माण को गिराया जा रहा है। अकबर नगर में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी। कुकुरैल इलाके में अवैध निर्माण कैसे ढहाए जा रहे हैं आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 5 दिनों से लगातार अकबर नगर में ये बुलडोजर गरज रहा है और अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों को ढहाया जा रहा है। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।